Hello everyone, please subscribe my channel and press bell icon for notification and also like my video. क्योंकि मैं CISF PST PET पास कर चुका हूँ और आने वाला दिन में भी CISF का भी बारे में बताऊँगा और ब्लॉग भी बनाता हूँ और झारखंड करंट अफेयर्स भी बनाता हूँ. तो इसके लिए मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें नोटिफिकेशन वाला ऑल वाला पे. अब चलिए शुरू करते हैं. इस थंबनेल के अनुसार PST CISF का कैसे कैसे क्या होता है प्रोसेस आप देख सकते हैं. सबसे पहले मेन गेट में एडमिट कार्ड और आधार कार्ड चेकिंग होता है. उसके बाद मेन गेट के अंदर आने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है और साथ में नियम पालन करना पड़ता है जो ऑफिसर का ऑर्डर होता है. अगर आप होशियारी दिखाएं तो आपको आपका ये वहाँ से कैंपस से निकाल दिया जाएगा और आपको PST PAT नहीं दिया जाएगा. फिर जैसे ही एक लाइन से बैठा के फॉर्म भराते हैं जो ऑफिसर के तरफ से सभी को मिलता है, फिर वो फॉर्म ऑफिसर जमा ले लेते हैं. ठीक है, अब चौथा में देखते हैं क्या होता है. सबका हाइट मापा जाता है, जो हाइट में फेल उसे निकाल दिया जाता है. वो लकड़ी का बना हुआ होता है एक दरवाज़ा टाइप का, उसी में आपको पार होना है. उस हाइट में आप पास हो गए तो समझिए आगे का प्रोसेस होगा आपका. हाइट पास होने वाले को चेस्ट नंबर दिया जाता है, फिर तब सिग्नेचर और अंगूठा का निशान लिया जाता है, मतलब ठेपा जिसको बोलते हैं थंब लिया जाता है ये इंक वाला से. उसके बाद फिर सातवां नंबर पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाता है जो मशीन के द्वारा होता है, बायोमेट्रिक वाला अटेंडेंस होता है. ठीक है, वहाँ अगर आप जाएंगे तो समझ में आ जाएगा. फिर उसके बाद फ़ोटो खिंचवाना पड़ता है, एक बोर्ड हाथ में ले के जिसमें खुद का नाम लिखा हुआ होता है. ऑफिसर आपको एक बोर्ड में नाम लिख देंगे, उसके बाद फिर एक ऑफिसर कैमरामैन फ़ोटो की लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो. उसके बाद फिर से एक फॉर्म भरना पड़ता है. ठीक है, वो क्रिमिनल वाला फॉर्म होता है. उसके बाद फिर दसवां में क्या होता है, फॉर्म भर के जमा करने के बाद फिर हाइट नापा जाएगा. अब हाइट ये मेजरमेंट जो होता है वो मेजरमेंट वाला से नापा जाता है. ठीक है, उसी समय वज़न भी नाप लिया जाएगा आपका और छाती भी नापा जाएगा. गर्ल्स लोग का तो ये सब नहीं है चेस्ट वगैरह नापना, लेकिन उसका हाइट और वज़न नापा जाएगा. अब क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ. मैट्रिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट, ये झारखंड बोर्ड में मिलता है. ठीक है, ये CBSE बोर्ड में सिर्फ 12 में मिलता है. इंटर में मार्कशीट, इंटर का पास सर्टिफिकेट CBSE में ये मिलता है. झारखंड CBSE में मैट्रिक का पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो वो सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले लें. और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, ST OBC जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है. ठीक है, और उसके बाद फिर अगर स्टेट लेवल वाला पे है कास्ट सर्टिफिकेट वो ले जाए, और अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा. साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जितना भी है, मैट्रिक का, इंटर का, मैट्रिक पास आउट का, सबका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक कम से कम दो दो जेरोक्स कॉपी ले लें. ठीक है, ओरिजिनल कॉपी का. फिर कम से कम 4 पासपोर्ट साइज लगता है, लेकिन आप 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लें नया, जो अभी हाल ही का हो, 6 पीस. ठीक है, थैंक यू. अब फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आगे का वीडियो पाने के लिए. उसके लिए सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, लिखा होगा लाल कलर से SUB
सब, फिर SUBSCRIBE सब्सक्राइब लिखा होगा वहाँ पे दबाना। उसके बाद दबाने के बाद आएगा घंटा, घंटा घंटा दबाने के बाद तीन टो ऑप्शन आता है, तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे दबाना है ALL पे, ताकि उसके बाद ही मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आगे।